दरभंगा नगर निगम के द्वारा भीषण जल संकट को देखते हुए निगम प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। उसको लेकर दरभंगा शहरी क्षेत्र में 7 जगह पियाव की व्यवस्था की गई है। वहीं ग्लूकोज भी वहां मिलेगा जहां लोग आके ठहरते हैं। भीषण गर्मी को देखते हुए ये व्यवस्था की गई है। दूसरी तरफ पूरे शहरी क्षेत्र में 12 PHED के द्वारा टैंकर की भी व्यवस्था की गई है। नगर निगम के द्वारा भी टैंकर की व्यवस्था की गई है कि लोगों को जल संकट से नहीं जूझना पड़े। जिस प्रकार से भीषण गर्मी है, वहीं नगर आयुक्त ने बताया कि हमने वार्ड नंबर 14, 15 एवं 16 वार्ड का निरीक्षण किया एवं वहां लीकेज की समस्या अधिक हमें इसकी शिकायत मिली, जिसको लेकर बुडको एवं PHED के जो कार्यपालक अभियंता हैं उन्हें कामगार जो वर्कर हैं उनकी संख्या बढ़ाने की बात कही गई और उन्होंने स्पष्ट कहा कि भीषण गर्मी को देखते हुए लोगों को जल संकट से नहीं जूझना पड़े, इसके लिए आप प्रयासरत रहें। जब गर्मी खास करके जब भीषण गर्मी आता है तो लोगों को शहरी क्षेत्र में जल संकट से जूझना पड़ता है। निगम प्रशासन की क्या योजना है, किस प्रकार से लोगों को जल संकट से नहीं जूझना पड़े। नगर आयुक्त से दरभंगा दर्शन न्यूज संवाददाता ने जब बात की तो उन्होंने विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने क्या कहा, क्या पूरी योजना है, सुनिए दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। सर, जल ही जीवन है और जब गर्मी आती है तो शहरी क्षेत्र में खास करके लोगों को जल संकट से जूझना पड़ रहा है। नगर निगम के द्वारा सर क्या कुछ योजना है इस भीषण गर्मी को देखते हुए? हम लोग के द्वारा वार्ड 14, 15 और 16 में भ्रमण किया गया, जहाँ पे PHED और बुडको के द्वारा कनेक्शन दिया गया था। तो वहाँ पे भ्रमण करने के दौरान बहुत सारी कमियाँ भी पाई गई। उस कमियों को दूर करने के लिए हम लोगों को PHED और बुडको के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को भी निर्देश दिया गया। साथ ही साथ जहाँ जहाँ भी लीकेज की समस्या का हम लोगों को बहुत ज़्यादा कंप्लेन आता है, इसके लिए PHED एवं बुडको दोनों को लेबर बढ़ाने की का हिदायत दिया गया कि आप लोग लेबर की संख्या बढ़ाइए ताकि जो लीकेज होता है उसको सही समय ठीक कराया जा सके। इसके अलावा हम लोग बढ़ती हुई गर्मी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों के द्वारा 7 जगह पे आज के दिन में पानी और ग्लूकोज की व्यवस्था की गई है, जहाँ पे आम नागरिक अधिक संख्या में प्रेजेंट होते हैं ताकि उनको राहत मिल सके। इसके अलावा आज की तिथि पे हमारे यहाँ पे 12 पानी टैंकर उपलब्ध हैं जो विभिन्न वार्डों में सप्लाई कराया जाता है उनके द्वारा। इसके अलावा हम लोगों के द्वारा योजना बनाई गई है कि 25 सिंटेक्स के जो वाटर टैंकर 1000 लीटर की कैपेसिटी के होते हैं, प्रत्येक 2 वार्डों पे एक एक टैंकर के द्वारा वहाँ पे पानी सप्लाई दिया जाएगा। सर, खास करके दिन में जो स्थिति हो, सुबह में थोड़ा पानी मिलता है, दिन में लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो इस मद्देनज़र क्या अभी जो है वाटर टैंकर के द्वारा पानी सप्लाई किया जाता है। जहाँ से भी हम लोग को शिकायत या कंप्लेन आता है कि यहाँ पानी की समस्या हो रही है, हम लोग वहाँ पे सप्लाई करते हैं। साथ ही साथ जब सिंटेक्स के द्वारा पानी का सप्लाई किया जाने लगेगा, जब 1000 लीटर का जो सिंटेक्स का वाटर टैंकर है हम लोग के पास, जो उससे जब हम लोग सप्लाई करने लगेंगे तो लोगों को इसके बाद बहुत राहत होगी। इसके अलावा भी हम लोगों के द्वारा जहाँ भी सबमर्सिबल पंप कराया गया है, प्रत्येक वार्ड में 2-2 कराया गया है पिछले साल, तो वहाँ भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ से भी एक 100 फीट जो है हम लोग वहाँ पे पाइपलाइन की सुविधा दें और लोगों को जल्द से जल्द राहत। अच्छा, चापाकल गराने की भी बात बोर्ड में उठी थी, उस पर भी कुछ कार्य हुए हैं क्या? चापाकल गराने का कार्य PHED डिपार्टमेंट को करना है, उनके द्वारा टेंडर कर लिया गया है। टेंडर की प्रक्रिया अंतिम स्टेज में है और उनके द्वारा जो है हम लोगों से राशि की अधियाचना की गई है, हम लोग राशि उनको जल्दी उपलब्ध करा देंगे। इसके बाद जो उनके द्वारा कार्यादेश निर्गत करके नए चापाकल गराने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। इसके अलावा जो पुराने चापाकल हैं जो ख़राब हो गए हैं उसकी मरम्मति का कार्य PHED के द्वारा कराया जा रहा है। 2 गैंग बना के वार्ड 1 से 24 और 25 से 48 में कार्य कराया जा रहा है।